क्या हुआ? वो देखो उसको अजीब है वहां पे, ये देखो। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और इस बार मेरे साथ है ओम अभंग राव और हम निकले हैं एक हॉन्टेड एडवेंचर पर। कोने में देखना ये है कि भूतों की दुनिया का ये अभियान हमारे लिए रोमांचक साबित होता है, अरे बाप रे, या हमारी जिज्ञासा हमें मुसीबत में ढकेल देगी। इसे देखो यहाँ पर, क्या हुआ? बर्निंग सेंसेशन हो रहा आज का मेरा यह हैरतअंगेज सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि आज मैं एक ऐसे इलाके का अन्वेषण करने वाला हूँ जो खुद से जुड़ी पारलौकिक घटनाओं और कहानियों के लिए काफ़ी बदनाम है। लेकिन इस हॉन्टेड लोकेशन पर जाने वाला मैं इस वक्त अकेला शख्स नहीं हूँ। अच्छी बात यह है कि इस पूरे अभियान में मेरा साथ देने के लिए मैंने बुलाया है अपने अजीज दोस्त को। वो एक एक्टर है, ब्लॉगर है और एक कॉमेडियन है, वो है ओम अभंग राव। और इस वक्त मैं इस समुद्री तट पर उसका स्वागत करने के लिए ही आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा जो ये समंदर का सफर है वो बहुत ज्यादा रोमांचक रहा होगा, लेकिन आज अभी इस वक्त इस बियाबान का जो ये पूरा एक्सपीडिशन है ये उससे भी ज्यादा हैरतअंगेज होने वाला है। तो क्या तुम तैयार हो इस हैरतअंगेज सफर को शुरू करने के लिए? मैं बचपन से तैयार था, क्योंकि क्या है ना कि आज हजारों फीट ऊंची चढ़ाई करूंगा एंड घने जंगलों में खतरनाक जानवरों का सामना करके उफनती नदियों को पार करके मैं इस चैलेंज को अंजाम देने वाले हो। ये सारी चीजें हम इस वक्त नहीं करेंगे, तो चलो घर पे। फिर क्या करना है? नहीं, घर पे नहीं जाएंगे, अभी इतना दूर आएंगे तो घर पे जाएंगे। तो करना क्या है? करना ये है कि आज हम लोग एक ऐसी लोकेशन को एक्सप्लोर करेंगे जो स्थानिक लोगों के मुताबिक हॉन्टेड है, श्रापित है। और इसी वजह से लोग जो है वहाँ पर शाम के 7 बजे के बाद जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि स्थानिक लोगों ने बहुत सारी पारलौकिक गतिविधियों को वहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। तो इसीलिए हम उस हॉन्टेड लोकेशन पर जाएंगे और वहाँ पर पूरी रात रुक कर उस इलाके का अन्वेषण करेंगे। तो तैयार हो तुम इस हॉन्टेड एडवेंचर पर जाने के लिए? भूतों से किसको डर लगता है, इंसानों से डर लगता है। क्या है ना, क्योंकि लोग धोखा देते हैं मेरे को, लगातार बहुत ऊंची चढ़ान पहाड़ों पे चढ़ेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, पर गए ही नहीं किधर, भूतों पे टपका रहे मेरे को। लेकिन मैंने धोखा नहीं दिया है। तो क्या दिया है बताओ? ठीक है चलो, तो फिर चलते हैं। चलो फिर, फॉलो मी। अरे लेकिन क्या, अरे हाँ, जाना किधर है? गुड क्वेश्चन। हाँ हमें वहां पर जाना है, सो नाउ You follow me. Okay, sir. चलो सर। हम जिस बरगद के पेड़ की दिशा में बढ़ रहे हैं वो काफी बड़े इलाके में फैला है और सदियों से स्थानिक लोग उस इलाके में मुकद्दस रूहों की मौजूदगी का एहसास होने का दावा करते रहे हैं। अलबत्ता इस अभियान में मैं उन्हीं पारलौकिक घटनाओं को कैमरे में कैद करना चाहता हूँ। अरे बाप रे, इसे देख रहे हो? इतने घने जंगल के बीचों बीच इतना आलीशान मकान भला किसी ने क्यों बनाया होगा? वो क्यों चढ़ो, किस लिए बनाया होगा वो सोचो। किस लिए बनाया होगा? किस लिए नहीं समझे, क्वालिटी टाइम। वो तो ठीक है, लेकिन फिर ये खंडर कैसे बन गया, सवाल तो यही उठता है। मेरे पास बेस्ट आइडिया है, पता लगा सकते हैं कि अंदर क्या है। क्या आइडिया है? बेस्ट आइडिया बताओ पक्का। हाँ इधर आओ, अंदर जाके पता चलेगा ना, वो बाहर बैठ के थोड़ी पता चलेगा। ये आइडिया था मे बी। ठीक है, यहाँ पर फेंसिंग लगा है तो यहाँ से जा नहीं सकते। नहीं जा सकते, तो तुम वहाँ पर जाओ, मैं वहाँ पर जाता हूँ। ओके, okay, रास्ता दिखे तो बता देना। ठीक है ठीक है।
अरे अरे स्वप्निल, स्वप्निल भाई, अरे इधर आओ जल्दी आओ। क्या हुआ? वो देखो उसको अजीब है वहाँ पे, देखो ये देखो। भाई भाई रहने दो भाई भाई। अरे वो नहीं है। अरे यार इंसान का दिमाग अंधेरे में अक्सर ऐसी उठपटांग चीजें ही सोच लेता है। अरे पर आपने देखा ना वहां से पूरा लिटरली वो क्या बोलते डेड बॉडी दिख रहा था, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ और दिख रहा है। क्यों देख रहे हो सामने? हाँ यहाँ पर आओ तो जरा इसे देखिए दोस्तों। बाप रे, अब हमारे सामने यहाँ पर है दो रास्ते, एक रास्ता जा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में और एक जा रहा है राइट में। तुम्हारा दिल क्या कहता है कौन से डायरेक्शन में जाना होगा, लेफ्ट या राइट? घर वाले डायरेक्शन। अरे लेकिन इतना दूर आने के बाद यहाँ से वापस लौट कर जाएंगे तो यहाँ तक की जो मेहनत है वो सब ज़ाया हो जाएगी। तो लेफ्ट या राइट? राइट। ठीक है तो अब हम लेफ्ट पर जाते हैं। ये क्या था भाई? क्योंकि लेफ्ट ही सही डायरेक्शन है। और उस दिशा में आगे बढ़ने पर हमारे सामने आ गई एक 3 मंजिला इमारत। कई दशकों से अनछुई होने के कारण ये भी खंडर में तब्दील हो चुकी है। बहरहाल हमने अंदर जाकर इसका मुआयना करने का फैसला किया। इस इमारत में सैकड़ों कमरे बने हैं तो जाहिर है कि ये कोई होटल रहा होगा, मगर अब ये खस्ता हाल हो चुकी है और इसका कमजोर हो चुका ढांचा शाहिद है कि ये इमारत ताश के पत्तों से बने किसी महल की तरह कभी भी ढह सकती है। ये इमारत वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा देर तक रुकने लायक नहीं है। अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पर एक दरवाजा मिला है, बुरी बात यह है कि ये दरवाजा बंद है, तो हम इसे खोल कर देखेंगे वो उस पार क्या है। चलो ये है इस इमारत का एग्जिट वाला रास्ता, नीचे सीढ़ियाँ है और कमाल की बात यह है कि घने जंगल के बीचों बीच मिली हमें ये दूसरी इमारत और इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि बल्ब चल रहा है, यानी कि यहाँ पर एक छोटी सी बस्ती है। बस्ती के मिलने का मतलब है कि हम अपनी मंजिल यानी उस श्रापित पेड़ के करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करके अंदाजा आ गया कि हमारा सफर जल्दी ही मुकम्मल होने वाला है। बहरहाल इन जनाब के पास भी श्रापित पेड़ से जुड़े कुछ किस्से हैं और इनके मुताबिक रात के इस वक्त हमारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं, लेकिन हमारा इरादा पक्का है लिहाजा हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं क्या बोलता हूँ, क्या मज़ा क्या आता है इतने अंधेरे में आके भूतों भीतों का इतना इंटरेस्ट क्यों है आपको? इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि ऐसी लोकेशंस पर अमूमन लोग जो है वो जाते नहीं है, तो जब हम इन लोकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं तब हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने मिलता है और फिर लोग ऐसी चीज़ों को देखना पसंद भी तो करते हैं। अरे बाप रे, कितना बड़ा बरगद का पेड़ है। यही तो वो पेड़ है जो स्थानिक लोगों के मुताबिक श्रापित है। श्रापित मत बोलो भैया, डर लगता है मुझे। कितना मतलब वो हॉरर कितना है ये देखो। ऐसे नज़ारे को देखने के बाद किसी का भी दिल दहल जाएगा। वैसे तुम्हारे इस डर को कम करने का मेरे पास एक तरीका है। क्या है? वहाँ पर जाएंगे और उस पेड़ को नज़दीक से देखेंगे। चलो। हाँ मेरी जान, मेरा डायलॉग मेरे पे ही। वाह, अरे बैटरी क्यों बंद हो रही है? बैटरी बंद हो गई। अभी इसमें आग डाल के मशाल जलाओ। चलो। मेरे को साथ में रखो, मेरे को डर लग रहा है। चल क्यों नहीं रहे? ये पेड़ बहुत बड़ा और काफी घना है, लेकिन हैरत की बात है कि इस इलाके में जितने भी घर बने हैं वो सब इस पेड़ से करीब 3 किलोमीटर के दायरे के बाहर बने हैं। कुछ नहीं, इधर आओ, इधर आओ। माय गॉड, तुम्हें पता है ये क्या है? नहीं। ये है एक वायर का फंदा, बहुत ही खतरनाक चीज है। जरा देखो तो ये कहाँ पर जा रहा है, ये दिख रहे हैं वायर? जरा इसे खींच के देखो, धीरे 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 खींच के देखो। इधर से अटक के आगे जा रहा है। ये देखो, ये देखो जरा,
कितनी सफाई से इस नट बोल्ट के साथ इसे यहाँ पर बांधा गया है। और ये लूप जो है, ये आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, इसे छोटा भी कर सकते हैं। और इसे यहाँ पर पत्तियों में छुपाया गया था, तो जब कोई जानवर यहाँ से गुजरता है उसका पैर इसमें फंस जाता है, और जब वो आगे बढ़ेगा तो ये लूप अपने आप, ये देख रहे हैं आप, कस जाएगा। और एक बार ये कस जाए उसके बाद जानवर आखिरी दम तक भाग नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लोग आते हैं और गलत इरादे से आते हैं, शिकार करने के इरादे से आते हैं। और बहरहाल इस वायर ट्रैप को यहाँ से निकाल कर ले जाते वक्त हमें एहसास हुआ कि हम यहाँ अकेले नहीं। कोने में तो भाई कौन हो तुम लोग? अरे हम लोग शूटिंग देखने के लिए हैं। शूटिंग देखने आ रहे हो? ठीक है भाई। ऑब्वियसली डर गए थे क्योंकि तीनों के तीनों व्हाइट शर्ट पहन के खड़े हो। वो चार अरे हाँ, वो बोले चार भूत एक साथ आ गए, वो भी एक दूसरे पे लटक रहे क्या बोलने का, रात के अंधेरे भाई थोड़ा बोला करो यार। रात के अंधेरे में जब ऐसा नजारा दिख जाए तो आपकी सांसें रुक जाती है। अब मुझे पता नहीं लिटरली मेरे सामने ही क्यों सब हो रहा है। वहाँ पे आपको लग नहीं रहा है कि एक औरत और उसकी बेटी मुझे घूर रही है और हवा में उड़ रही है? यार कैमरामैन इधर को ये कहा, आ हाँ आया। इसे देखो यहाँ पर, अब प्लीज आगे मत जाना देखने के लिए भाई प्लीज। देखो ये जो पेड़ है उसकी इस कैविटी के अंदर किस तरह से इस पूरे सामग्री को बनाया गया है ताकि किसी की भी नजरों में ये चीज ना सवार हो जाए। हाँ नहीं देखने का, चलो घर पे जाते। मुझे ऐसा लगता है कि अब हम इतने दूर आए हैं तो मेरे ख्याल से रुकते हैं, थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर कोई आता है या नहीं, हम शायद कैमरे में कुछ कैप्चर कर सकें। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है। और कई घंटों तक यहाँ इंतजार करने के बाद मेरा सब्र जवाब देने लगा, लेकिन मुझे ये खबर नहीं थी कि जल्दी ही माहौल बदलने वाला है। अरे मैं क्रॉस करके नहीं आया। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्या देखोगे? हाँ रख दो नीचे और अपने हाथ दिखाओ सबसे पहली बात तो। हाँ मेरे हाथ तुम हाथ थोड़े साफ कर दो हाथों को और इस तरह से नीचे रखो। दोनों में से कोई एक हाथ राइट या लेफ्ट? राइट। ठीक है हम इसे एलिमिनेट करते हैं, नीचे रख दो और इस हाथ की ऐसे मुट्ठी बना लो। और मैं यहाँ से थोड़ी सी राख ले लेता हूँ। हाँ कुछ होगा नहीं, मैं इसे अपने हाथ पर रखूँगा। ध्यान से देखो इसे। हाँ तुम्हें कुछ फील हो रहा है? हाथ खोलो। बर्निंग सेंसेशन। हाँ अरे बर्निंग सेंस क्या हुआ? बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। मजाक अरे पानी पानी लाओ थोड़ा पानी क्या हुआ क्या? लेकिन वो
खोल रहा हूँ। मस्ती कर रहा हूँ, प्रैंक चल रहा हूँ उसके साथ। ओ स्वप्निल भाई, हाउ आर यू? मुझे लगा ही तुम मेरे साथ मजाक ही कर रहे हो। मैं मस्ती कर रहा था आपके साथ, देखना चाहता था क्या करता। आपको थोड़ा हॉरर फील देना था, मुझे डर देना था, पर ये लाया कैसे मेरे को पता नहीं, मजा आया। अब तुम प्यार से पूछे तो मैं बता भी देता, लेकिन अब नहीं बताऊंगा। सॉरी। कैसी लगी? मिले हुए थे क्या इसके साथ? एक्टिंग कैसी लगी मेरी? सॉरी सॉरी सॉरी। आपको पैनिक भी नहीं हुआ कि नहीं? डर लगा कि नहीं? बहुत मजा आया। मजा आया ना? थैंक यू सो मच। बदकिस्मती से कुछ अप्रत्याशित तकनीकी बाधा की वजह से हमें अपना अभियान रोकना पड़ा, लेकिन इस पूरे एक्सपीडिशन में हमने किसी पारलौकिक गतिविधि को महसूस नहीं किया और पर्याप्त सबूतों के अभाव में इस अनुष्ठान पर भी गौर फरमाना मुनासिब नहीं, लेकिन ओम की जिज्ञासा और खुशमिजाज स्वभाव ने इस अभियान को रोमांचक बना दिया। अलबत्ता मैं अपने साथ किए गए उसके उस प्रैंक को नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में भी एक खुराफाती तरकीब है और आने वाले वक्त में ओम को इस बात का एहसास होगा। मैंने तो सुना है कि अगर रात के वक्त कोई इसके नीचे खड़ा हो जाए हाँ। तो वो उसके गर्दन से लिपट कर उसे ऊपर खींच लेती है। डर मत भाई, आगे चलना, चलो जल्दी।